खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। वाराणसी जैतपुरा थाना अंतर्गत सेलपुत्री मंदिर के पास अमरपुर बिठलोहिया गांव में जो कि दिनांक 28 तारीख को दोपहर की 2 बजे गुंजन उर्फ नैना जो है कि दोपहर को 2 बजे अपने नाना नानी के घर गर्मी में छुट्टी मनाने आई थी और नानी से बोली कि मैं अभी नानी सुई लेकर आ रही हूँ। लेकिन जब वो घर से निकली तो अभी तक जो है कि उसका कोई पता नहीं चला। 24 घंटे बीत जाने के बाद 29 तारीख को जो है कि शाम को 5 बजे उसके खिलाफ जो है कि FIR दर्ज करवाई गई। परिवार वालों से बात करने पे पता चला कि माँ रेशमी का कहना था कि 1 साल पहले एक हमारे घर में किरायादार रहता था और उसको निकाल जाने के बाद और पता नहीं क्यों उसके ऊपर ही हमारा संदेह जा रहा है क्योंकि उसका नेचर देखने में ठीक नहीं लगता था। किस लिए आप अपनी बिटिया को यहाँ ननिहाल में भेजी थी? अरे आई थी घूमने फिरने के लिए आई थी बस। कितने दिन से रह रही थी आप? ज़्यादा दिन नहीं, समय हुआ था। आती जाती रहती थी, आते थे जाते थे। फिर इस टाइम थोड़ा मम्मी का तबीयत भी नहीं ठीक था, भी उनके चलो तो फिर इसी जगह कहीं मम्मी हमको उधर भी करना है, अकेले हम करने वाले हैं अपने घर का भी। अब मम्मी का भी हालत देख के हमको देखा नहीं गया। जब वो आपकी भांजी जिस समय गायब हुई तो आप थे उस समय? उस टाइम बाहर था। तो आसपास के लोगों का क्या कहना है? आपने ढूंढा तो किसी ने देखा या कुछ बताया आपको? तो किसी के ऊपर शक जा रहा है या कोई आपसी दुश्मनी किसी के साथ ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई नहीं। तो स्कूल से किसी फ्रेंड वरेंड के साथ तो कहीं नहीं गई है? नहीं। पता किया आपने इसका? नहीं, पता किया पर कहीं नहीं। तो क्या वो हर साल यहाँ पे गर्मी की छुट्टी में आती थी? महीने के बीच साल के बीच में भी आया करते थे। तो इस जगह से तो भैया परिचित होगी ना काफी? इस जगह वो जानती है। इस बार आप यहाँ पे नाम लिखवाने वाले हैं? किसी के ऊपर आपको शक है? हमको किसी के ऊपर शक नहीं। यहाँ कहीं जेबे नहीं करती थी, चौतरा छोड़ के नीचे नहीं उतरती थी। तो किस पर शक करें? तो आपने सबसे पहले किसको सूचना दी? पहले इन्हीं को दिए, इन जगह खोजने उजने नहीं मिले तो बड़े वाले लड़कों को भेजे, छोटे वाले लड़कों को भेजे, सब कोई खोज रहा है। कल पूरा परिवार मेरा खोजा। हम लोग लंबे परिवार से हैं, चौराहे पर मेरा घर बड़ा है। सब कोई खोज लिया, कहीं नहीं। थाने पे कितने बजे आपने सूचना दी थी? थाने पर हम समझ जाइए कि कल सूचना दिए थे। अब तक क्या कार्रवाई हुई? गए तो वो बोले कि चौकी पे गए तो वो बोले कि जाओ थाने पर जाइए, थाने पर रिपोर्ट लिखवा के आइए। तो हम थाने पर गए, रिपोर्ट लिखवा के आए। मैं खड़ी हूँ इस समय सरैया पुलिस चौकी पे, जहाँ पे आज अमरपुर बस्ती की एक लड़की 15 वर्ष की गायब वो गुमशुदा हो गई, जिससे कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराया। और चौकी इंचार्ज का कहना है कि मैं जो है कि सर्विलांस पे नंबर डाला हूँ और कई जगहों पे खोज चुका हूँ, अभी तक कुछ पता नहीं चला। जैसे ही पता चलेगा मैं उसके परिवार वालों को उसको सूचित कर दूंगा। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बने।